लगन लगी मैं आय रे बर तेरी को देख जाने के लिए रास्ते में ये इस तरह का एक पॉइंट है और जो कि अब बहुत बढ़िया एक सेल्फी पॉइंट बन गया है एल्बम में। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है शूट करके अपनी सेल्फी लेते हैं, वीडियोज वगैरह बनाते हैं। आपको ये चहल पहल और तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी कि आज मेले का जो आयोजन किया जा रहा है 3 दिवसीय भक्तिहरी मेला जो कि अलवर में आयोजित होता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दूर से लोग बाग श्रद्धालु लाखों की संख्या में हर भर के गांव के ग्रामीण परिवेश के लोग अपने भी जैसी भी सहूलियत होती है उसके हिसाब से बाबा के धाम पर आते हैं और अपनी मन्नतों की गुहार लगाते हैं। बेसिकली जो है महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है और यहाँ पर महाराजा भर्तृहरि जो कि उज्जैन के महाराजा थे उन्होंने आकर के यहाँ पर घोर तपस्या की। महाराजा भर्तृहरि के बारे में आपने बहुत सी कथाएँ कहानियाँ भी होंगी। यहाँ पर क्या है कि अलवर शहर प्रशासन की तरफ से जो है लक्की मेले का आयोजन होता है, हम लोग भी मेले में आए हैं। देखिए चारों तरफ से ये अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये जगह आप लोग सामने देख पा रहे हैं। साथ में ये जो जगह आप देख रहे हैं इस जगह के पीछे भी एक बहुत ही बड़ी कहानी है। दरअसल क्या है कि यहाँ ये जगह जो है नटनी का बारा के नाम से विख्यात है और यहाँ पर अभी पहाड़ की चोटी देख रहे हैं। एक नटनी हुआ करती थी पुराने ज़माने में, वो इस पहाड़ की एक चोटी से लेकर के और ये सामने आप इस पहाड़ी को छोटा सा मंदिर दे रहे यहाँ तक बांध करके चली थी और उस चलने के बाद में उसे ऐसा महसूस हुआ अपने बच्चे के वियोग में जो है वो चल बसी, तो उसकी याद में यहाँ पर एक मंदिर बनवाया गया है। ये प्रांगण मेले मैं भी लेकर के जाऊंगा और देखिए वहाँ पर कितनी रौनक हुई है। इस समय पर लक्की मेला आयोजन हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त चहल पहल है, दूर दूर से लोग बाग यहाँ आते हैं। भर्तृहरि राजा जो थे उन्होंने वो सन्यासी बन गए थे, शायद आपको कहानी जब नहीं पता तो आप कमेंट करना मुझे, मैं आपको उनकी कहानी जो है वो बताऊँगा। उनकी रानी थी रानी पिंगला और उसके बाद में जो है कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी बात उनको हर्ट कर गई कि वो सन्यासी बन गए। उसकी कहानी आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आपको पूरी से पूरी कहानी उसकी बताऊंगा। तो देखिए मैं भी आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये रास्ता जा रहा है सामने, इस रास्ते से देखिए काफ़ी चहल पहल आपको दिख रही है। बहुत से लोग बड़े बड़े जो है गांव हैं और जो दूर दूर के जो क्षेत्र हैं ग्रामीण परिवेश के लोग जो हैं सभी लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मान्यता है भर्तृहरि बाबा की और जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं किसी के घर परिवार में मुंडन हो शादी ब्याह हो और भी
कोई भी अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए नया कुछ भी, जैसे अनाज पैदा हुआ है खेतों में, या कोई दूध दही वगैरह जो भी नए प्रयोजन होता है, उसका भोग सबसे पहले भर्तृहरि बाबा के मंदिर पर ही लगाया जाता है। यहाँ के लोकगीतों में भर्तृहरि बाबा का बहुत गुणगान देखने को मिलता है, और ज़्यादातर जो है मत्स्य नगर होने के कारण यहाँ पर जो है लोकगीतों की भरमार रहती है, और सारे लोकगीतों में आपको भर्तृहरि बाबा का गुणगान अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग आपको लेकर के चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ।
बदगेरा